जिराफ को दुनिया में सबसे ऊंची कद काठी वाला जानवर माना जाता है। जिराफ, जिसे आम भाषा में लंबी गर्दन वाला जीव कहा जाता है। जिराफ की गर्दन के साथ साथ इसकी जीभ और टांगे भी बेहद लंबी होती है। जिराफ की लात बहुत पावरफुल होती है और इसीलिए ये शेर इस पर हमला करने से डरते हैं। दरअसल ये शेर जिराफ को नहीं बल्कि इसके बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहते हैं और मौका मिलते ही ये इसको अपना लंच बना लेते हैं। हालांकि जिराफ शिकार से बचने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। इनके पैरों से किया गया वार शेर जैसे जानवर की जान ले सकता है और जिराफ अपनी इन्हीं लंबी टांगों के कारण 35 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लेकिन ये दौड़ छोटी दूरी की होती है। इनकी एक दिलचस्प बात ये भी है, नर जिराफ अक्सर मादा जिराफ के मूत्र को पीता या चखता रहता है। दरअसल ये ऐसा इसलिए करता है जब ये समूह में किसी एक मादा के साथ संबंध बना के रहना चाहता है। वैसे तो जिराफ मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाने वाला जानवर है, परंतु अब यह दुनिया के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। कुछ देशों में इस जीव की आबादी घनी है और वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों में यह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। और इसी के साथ कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर यह सिर्फ चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाने के लिए रह गए। जिराफ दिन में कम नींद लेने वाले जानवरों में गिना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिराफ भी ऊंट की तरह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। जिराफ की गर्दन लंबी होने के बावजूद भी जिराफ को नदी या कुंड में पानी पीने के लिए अपने पैरों को मोड़ना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिराफ के पैर इसकी गर्दन से भी ज्यादा लंबे होते हैं। इनकी एक दिलचस्प बात ये भी है, जिराफ की जीभ बहुत लंबी होती है। ये जीभ के द्वारा अपने नाक, कान व चेहरे को आसानी से चाट सकता है। लेकिन लंबी जीभ होने के बावजूद भी जिराफ किसी भी तरह की आवाज नहीं निकाल सकते। दरअसल इनकी आवाज इतनी ज्यादा धीमी होती है जो इंसानों के कानों द्वारा सुन पाना असंभव है। और एक स्वस्थ जिराफ का जीवन काल लगभग 30 वर्षों का होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है।